हेलो एवरीवन, आज हम आपको बताने जा रहे हैं नायरा कुर्ती की स्टिचिंग। तो सबसे पहले ये हमने फ्रंट नेक को स्टिच कर लिया है। हेलो एवरीवन, आज हम आपको बताने जा रहे हैं नायरा कट कुर्ती की स्टिचिंग। तो ये हम सबसे पहले फ्रंट पार्ट के लिए अपने नेक को स्टिच कर लेंगे कपड़े पे। इसको स्टिच कर लेंगे पहले सबसे। तो इस तरीके से हमने अपने गले को कपड़े पे स्टिच कर लिया। उसके बाद जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको कट करने के बाद अब इसको हम इस तरीके से इस पे फोल्ड करके इसको स्टिच कर लेंगे। हेलो एवरीवन, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं नायरा कुर्ती की स्टिचिंग। तो सबसे पहले हमने अपना नेक रेडी कर लिया है बुकरम पे, जैसे हम नॉर्मल किसी भी सूट के लिए रेडी करते हैं इस तरीके से। उसके बाद हमने क्या करना है, हमारा फ्रंट पार्ट लेना है। फ्रंट साइड लेके हम अपने नेक को इस तरीके से रख लेंगे, ये सेंटर पॉइंट से सेंटर मिला के इस तरीके से। अब उसके बाद हम इसको स्टिच कर लेंगे। देखिए इस तरीके से स्टिच करने के बाद अब हम इसको जो ये अंदर का कपड़ा है इसकी हम कटिंग कर देंगे। इस तरीके अब हम इसको छोटे छोटे कट लगा के इस तरीके से और इसको हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। अब हमने इसके जो हमारे प्लेट के निशान है इसमें हम प्लेट डाल देंगे इस तरीके से। कुछ इस तरीके से हमारी प्लेट डल जाएगी। इसी तरीके से हम इस साइड प्लेट डाल देंगे और सेम तरीके से हम अपना बैक का जो पार्ट है उस हमारा फ्रंट का पार्ट रेडी हो गया है। उसके बाद हम इसी तरीके से हमने अपना बैक का पार्ट भी रेडी कर दिया है। देखिए ये हमने इसमें प्लेट डाल दी है और ये हमारा बैक का नेक रेडी हुआ है। उसके बाद हम आगे दिखाते हैं कि इसमें प्लेट कैसे डालनी है। अब उसके बाद हमने जो ये हमारा नीचे का पार्ट था जिसकी हमने गैदर डालनी है, ये आप अपने हिसाब से जितनी आपने लेंथ रखनी है उस हिसाब से भी आप कट कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है, इसका सीधा हिस्सा रख के इसका सीधा मिला के इसके साथ अब हमने यहाँ से प्लेट डालनी शुरू कर दी है। वो आपके ऊपर डिपेंड, आपने प्लेट छोटी डालनी है बड़ी डालनी है, आप अपने साइज के अकॉर्डिंग कपड़े के अकॉर्डिंग प्लेट डाल सकते हैं। देखिए इस तरीके से हमने अपने हिसाब से छोटी प्लेट या बड़ी आप जैसी डालना चाहो डाल सकते हैं। प्लेट के ऊपर प्लेट नहीं डाल दी हमने, अलग अलग प्लेटें डाल दी है। ये एक प्लेट डाल दी, अब ये हमने दूसरी डाल दी। एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट नहीं डालनी, जैसे हम सलवार में करते हैं एक प्लेट के ऊपर दूसरी को रख के तब स्टिच करते हैं, इसमें ऐसा नहीं करना। हमने एक प्लेट फिर उसके बाद दूसरी प्लेट, इस तरीके से प्लेट हम डालते चले जाएंगे और इसको यहाँ तक पूरे कपड़े की प्लेटें डाल के स्टिच कर लेंगे। ये देखिए हमने इस तरीके से प्लेट डाल देंगे इसमें,
ये हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो गया। अब इसके ऊपर हम प्रेस करके इनको प्लेट को अच्छे तरीके से बिठा देंगे। ये हमने बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ा है 3 इंच 4 इंच का, क्योंकि हमारा जो कपड़ा था वो भी कम था, और इससे जो है मतलब प्लेट की हमने कुछ प्लेटों का इस साइड किया, कुछ प्लेटें इस साइड डाल दिए। इसी तरीके से हम अपने बैक पार्ट को भी रेडी कर लेते हैं। ये देखिए, अब हमने अपने बैक पार्ट को भी इसी तरीके से रेडी कर लिया है। ये प्लेटें डाल दी, ये इस साइड प्लेटें होगी। ये हमने बीच में जो फ्रंट पार्ट में जिस तरीके से इतना गैप छोड़ा था बिना प्लेट डाले, उसी तरीके से ये हो गया। अब हम फ्रंट पार्ट की सुल्टी साइड को रख के हम इन कंधे जॉइंट कर देंगे यहाँ से। इस तरीके से हमने ये कंधे जॉइंट कर लिए। अब हमारी इस तरीके से कुछ रेडी हो गई है। अब जो हमारा फिटिंग का निशान, हम उस पर सिलाई लगा लेते हैं। ये देखिए, हमने इसमें हमारा साइड में फिटिंग की सिलाई लगा ली है यहाँ तक नॉर्मल। ये हमने सिलाई जितने नॉर्मल सूट के हम चाक रेडी करते हैं 14-15 इंच तक, उतने में ही सिलाई लगाई है। अगर आप चाहो तो आप इसकी यहाँ तक सिलाई करके इसको फोल्ड करके इसको और इसमें डोरी लगवा सकते हैं, जैसे नायरा सूटों में लगती है। लेकिन कस्टमर ने इसमें डोरी नहीं लगवाई और साइड से इसके इस तरीके से सिलाई लगाने के लिए बोला, तो हमने ये इसी तरीके से रेडी किया। तो मैं अब इसको पूरी रेडी करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये हमारी कुर्ती रेडी हो गई है। इस तरीके से हमारी कुर्ती की लुक आएगी। ये हमने इसको साइड से फोल्ड कर लिया, क्योंकि ये हमारी साइड से खुली है, नीचे से फोल्ड कर लिया है। इसी तरीके से हमने इस साइड से भी फोल्ड कर लिया है। ये देखिए, अब इसमें हमारी स्लीव्स ऐड करनी है। इसकी स्लीव्स हमने सिंपल बनाई है, जैसे हम सिंपल बनाते हैं उसी तरीके से। ये देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और साथ के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। ये देखिए, पहनने के बाद ये कुर्ती बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत अच्छी। थैंक यू।